हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम जायका में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हो गई एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ, जो हड्डियों के लिए, दिमागों के लिए, हर तरह से बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली है। तो हम बनाने जा रहे हैं अलसी के लड्डू, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें शुरू करते हैं। अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मुझे अलसी चाहिए। ये आप देख सकते हैं 750 ग्राम है अलसी ये, ठीक है। अब हम इसको रोस्ट करेंगे। इसको तब तक हम रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से अच्छी से खुशबुएं ना आ जाए और इसमें चट-चट की आवाज आएगी। अभी मैं सुनाऊंगी आपको। मेरे अलसी को भूनते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से चट-चट की आवाज़ आने लगी है, आप लोग सुन सकते हैं, और बहुत अच्छी सी खुशबुएं आने लगी है इसमें। एक बराबर से इसको चलाना है, हाथ को रोकना नहीं है, हैं? ये इसको जलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से इसको रोस्ट करना है। 10 मिनट मैंने पहले भूना है और 5 मिनट उसके बाद भुना है, मतलब 15 मिनट हमने अच्छे से भुना है। बहुत अच्छी सी आवाज़ें और खुशबुएं इसमें आ गई हैं। इसको जलाना नहीं है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं, उसके बाद आपको पीस के दिखाते हैं। ये मेरा 250 ग्राम का मखाना है, इसे मैं अब पैन में डालने जा रही हूँ। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं देसी घी को। चार टेबल स्पून है, इसी में हम इसको रोस्ट करेंगे बहुत ही आराम आराम से। मेरे मखाने भी क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। अब हम इसको ठंडा करके पीस के तब हम आपको दिखाते हैं। ये अब आप देख सकते हैं मेरी 750 ग्राम की अलसी, जिसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर दिया हमने मिक्सर में पीस लिया, ये आप देख सकते हैं। ये है मेरा 250 ग्राम का मखाना, जिसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, अब आप लोग देख सकते हैं। इसको भी हम इसी अलसी में शामिल करने जा रहे हैं। अलसी और मखाने को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये मेरी 750 ग्राम गोंद है, जो ये हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं इसे भी फ्राई करने जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आराम आराम से इसको चलाते रहना है। 250 ग्राम मेरा देसी घी है, इसमें मैंने गोंद को डाला है। थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं मेरी गोंद बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से हमको सारी अपनी गोंद को घी डाल डाल के फ्राई करना है, उसके बाद इसको पीसना है। सारी गोंद को करके फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर दोबारा हमको अपने पैन में घी डालना है और भूनना है। इसमें घी की कोई नाप नहीं होती है, घी को डालते जाना है और फ्राई करते जाना है। ये अच्छे खासे लगते हैं इसमें।
दूसरी बार भी मैंने घी को डाला और उसके बाद मैंने गोंद को डाला। अब मैं इसे फ्राई करूँगी, धीरे धीरे ये फ्राई होता जाएगा और फूलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे गोंद को फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ, उसके बाद पीसती हूँ। ये मेरा दूसरी बार वाका भी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी गोंद है जिसे फ्राई करके मैंने पीस लिया, अब आप लोग देख सकते हैं। इसे भी हम इसी में डंप करने जा रहे हैं। सारी चीज़ों को एक साथ डालते जाएंगे। इसको भी इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 500 ग्राम गरी लच्छा है, 250 ग्राम करके दोनों पैकेट में। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मैंने घी डाल दिया अपने पैन में, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये दोनों मिलके हो गई हैं 500 ग्राम। इसको भी हम 1 टेबल स्पून घी में रोस्ट कर रहे हैं, हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। गरी को रोस्ट होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसका कलर क्रीमी हो गया, देख सकते हैं बहुत अच्छी सी खुशबूएं आ गई हैं। अब हम इसको भी उसी में डंप करेंगे। ये मेरी 500 ग्राम किशमिश है, 1 टेबल स्पून घी मैंने पैन में डाल दिया है और इसको भी हम इसी में रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट करना है इसको। 1 मिनट तक मैंने किशमिश को भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है, अब हम इसको भी डंप करने जा रहे हैं। इसको भी इसी में डंप करेंगे। ये मेरे 250 ग्राम काजू हैं, इसे भी हम 1 टेबल स्पून घी में रोस्ट करेंगे। 250 ग्राम बादाम है, इसको भी हम इसी में रोस्ट करेंगे। इसको भी 5 मिनट तक हमको भूनना है, उसके बाद इसको मिक्सर में हम पीस के आपको दिखाते हैं। जलाना नहीं है कुछ भी, बस हल्का हल्का सा 5-5 मिनट, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे काजू और बादाम बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए, इसको भी रोस्ट करने में 6-7 मिनट मुझे लगे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, इसको पीस के मैं दिखाती हूँ। ये मेरे काजू और बादाम हैं जिसे मैंने रोस्ट करके आपको दिखाया था, इसे मैंने पीस लिया, अब मैं इसे भी डंप करने जा रही हूँ। ये चिरौंजी है 200 ग्राम की और ये खसखस है 200 ग्राम के, जिस पैन में मैंने काजू और बादाम रोस्ट किया था उसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ, उसी में हम इसको रोस्ट करने जा रहे हैं। चिरौंजी डाल दिया मैंने, ये मैंने खसखस भी इसमें शामिल कर दिया। हल्का सा इसको रोस्ट करना हमको है, फिर आपको हम दिखाते हैं। 5 मिनट मैंने चिरौंजी और खसखस को भी रोस्ट कर लिया है, बहुत अच्छी सी खुशबूएं आने लगी, अब इसे भी हम डंप करेंगे। ये मेरे 500 ग्राम के काले छुहारे हैं जिसे मैंने पहले खल में कूच लिया और मिक्सर में पीस लिया, इसे रोस्ट नहीं करना है इसलिए मैंने नहीं दिखाया, अब इसको भी इसमें डंप करेंगे। ये 200 ग्राम सिंघाड़े का आटा है, इसको भी हमको रोस्ट करना है, इसमें हल्का सा कलर इसका चेंज होने तक और इसमें खुशबूएं अच्छी सी आ जाने तक इसको भी अब चलाते रहना है। जब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। इसको भी मैंने 6-7 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगी है और कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया, देख सकते हैं आप लोगों। इसको भी मैं इसी में डंप करने जा रही हूँ। ये 100 ग्राम टीपुर है, इसको मैं मिक्सर में पीस के चाल के आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा टीपुर है मैंने इसे मिक्सर में पीस लिया, अब इसको मैं चाल रही हूँ। इसे भी हमको 6-7 मिनट तक रोस्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। इसके पहले मैंने गर्मियों में बेसन के लड्डू बनाए थे जो बहुत ही टेस्टी था, आप मेरे आई बटन पे जाके देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये सर्दियों के स्पेशल लड्डू हैं जो बहुत ही फायदे वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया बहुत मेहनत लगती इसमें है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा है, बहुत खूबियों वाला ये लड्डू है, इसको खाएंगे आपके समझ आएगा। मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए
ये लड्डू मैं तैयार कर रही हूँ। जब ये लड्डू आप खाएंगे बना के मेरे स्टाइल से तो आप मुझे दुआएं देंगे, और आपको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। 6-7 मिनट इसको हो गए हैं, ये भी मेरा रोस्ट हो गया है। ये जो तीखूर है इसको भी हम इसमें डंप करने जा रहे हैं। ये 1 किलो चीनी है जिसे मैंने पीस लिया है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ। आप मीठा अपने मर्जी से डालिएगा, आपको ज़्यादा खाना हो तो ज़्यादा डालिएगा, कम खाना हो तो कम। अब चीनी डालने के बाद हमको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फिर हम आपको दिखाते हैं। चीनी मुझे कम लग रही है, मैं 1/2 किलो और डाल रही हूँ। मैंने जैसे पहले भी बताया, मिठास आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये मेरा 3 पाव देसी घी है जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ। अब हम इसको जा रहे मिक्स करने और फिर लड्डू बना के आपको दिखाते हैं। लड्डू बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई शीरा, कोई पानी, कुछ नहीं, सिर्फ देसी घी से बनेगा ये। आप लोग देख सकते हैं मैंने छोटा लड्डू बनाया है बेसन के लड्डुओं की तरह, तो साइज आप अपनी हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हैं। एक एक करके मैंने सारे लड्डुओं को तैयार कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये लड्डू, बहुत ही ज्यादा फायदे वाला है। मैं क्या क्या खूबियां इसकी बताऊं, 1 लड्डू 1 गिलास दूध आपके हुस्न में इजाफा देगा, दिमाग से लेके हड्डियों को भी मजबूत करेगा, यकीन करें बना के खाएं। ये जो लड्डू है मेरे मदर इन लॉ की रेसिपी है जिसकी मैंने कोशिश की है, मैंने उनकी ही तरह से बनाए हैं। हमेशा हर साल हर सर्दियों में हमेशा बनाती थी, इस बार मैंने बनाया, ये कोशिश मैंने की, तो ठीक है। आप लोग भी मेरे स्टाइल के अलसी के लड्डू बनाएं और खूबसूरत हो जाएं। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।